इमरान खान के साथ मोहब्बत में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है तो वो जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद है। आए दिन इसको बंद करके बैठ जाते हैं, सिग्नल बंद, सर्विस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ऑनलाइन काम तो पूरी तरह से मतलब स्पॉयल होकर रह चुका है। इवन ऑनलाइन तो क्या, आप वैसे भी कहीं नहीं जा सकते, किसी को डॉक्टर के लिए ले जा सकते कंटेनर लगा के बंद किए हुए, कोई डेथ हो गई है, कोई सिग्नल्स नहीं है, ना कोई ऑर्डर डिलीवर हम लोग करवा सकते हैं, ना कोई चीज़ मंगवा सकते हैं। हमारा तो पूरा एरिया इधर ख्वाजा कॉर्पोरेशन के पास से कंटेनर लगा के बंद किया हुआ, इतनी प्रॉब्लम थी। मेरी बेटी को भी ये कहा था, मुझे उसको दम डलवाने जाना था बट रस्ते ही बंद थे और इन ड्राइव मतलब पूरी तरह से बंद थी, मेरे हस्बैंड यहाँ थे नहीं और इन ड्राइव भी बंद, मतलब बंदा आप कहाँ जाए, किसके साथ जाए। तो इतनी ख़राब सिचुएशन थी, ऑर्डर दो डिलीवर करवाने थे, गलती से ऑर्डर ले लिए और उस दिन प्रोटेस्ट हो गया, अपने रस्ते बंद हो गए, इतना मसला हुआ, इतनी मुश्किल से दो केक जो है वो ड्राइवर को 3500 रुपये देकर डिलीवर करवाए, जबकि इतनी दूर की लोकेशन नहीं थी, बट वो घूम कर मेरे पास आया मतलब किन किन रस्तों से, और फिर घूम घूम के ऑर्डर डिलीवर करवाए। तो बस ये है कि प्रोटेस्ट करना जो है वो हमारा आवाम का मतलब पूरा हक है, गवर्नमेंट को उसके लिए, गवर्नमेंट हमें उससे नहीं रोक सकती, उनको हमें फैसिलिटेट करना चाहिए और जो है वो आवाम का भी पूरा हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, ऐसा एहतजाज के जिससे हमारे मुल्क को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और बस गवर्नमेंट भी बिल्कुल कुछ नहीं सुन रही, इवन ये जो सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसमें आर्मी है, जिसमें पुलिस है, इन सबको हमारी मतलब ये हमारी खिदमत के लिए हैं और इन लोग इन सारे इदारों को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, हमारे साथ ही मारपीट की जा रही है। तो सिचुएशन बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। सिग्नल्स 3 दिन से बिल्कुल बंद थे, ऑनलाइन क्लास जो है वो मैंने अपनी वो स्किप की, और भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे। अब खाली अपनी बात नहीं करते, ओवरऑल बात करते हैं, क्या बाइकिया वाले जो एक एक दिन का कमा कर घर लेके जाते हैं, क्या सब्ज़ी वाले हैं, क्या फ्रूट वाले हैं, मतलब इस तरह से बंद करके तो पूरे जो है दोनों शहरों का निज़ाम जो है ना वो तबाह बर्बाद किया हुआ है। तो बस अब प्रोटेस्ट करने वालों को भी देखना चाहिए कि जब एक चीज़ एक लोग ढीठ बनकर बैठ गए हैं, वो किसी किस्म का कोई चारा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि अब हम अपनी बात नहीं करेंगे, लेकिन लोगों का खाना पीना मुश्किल हुआ है। तो बस बहुत असुरदा सूरत हाल है। खैर ये ड्रीम केक के ऑर्डर मुझे मेरी बहन ने दिए थे, रैप अप मलाइका ने, और उनकी वीडियोस पे अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आपकी वॉइस यूज़ करें, तो वो मेरी आवाज़ नहीं यूज़ करती, ये उनकी अपनी आवाज़ है। रैप अप बाय मलाइका के नाम से उनका पेज है, वो मेरी छोटी बहन और भाभी रन करती हैं। इसके अलावा जो फिटनेस ट्रेनर अलिशबा हैं उनकी वीडियोज़ के नीचे भी मुझे लोग मैंशन करते हैं कि आपकी आवाज़ है, तो वो भी मेरी बहन है, हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। बाकी फातिमा फूड सर्विसेज को तो आप सब जानते ही, उनको तो मैंने अच्छा खासा मतलब प्रमोट किया अपने एंड से जितना हो सकता था। बाकी यह है कि अलिशबा का काम तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है, उनको किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, और रैप अप मलाइका का भी उनका अपना भी टिकटॉक पेज है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका अच्छा है बहुत। आप ही की वीडियोज़ तो अपनी माशाल्लाह से आजकल बहुत वायरल जा रही हैं, माशाल्लाह काफ़ी मेहनत भी की है, तो मेहनत करे इंसान तो क्यों ना उसकी एफर्ट मिले, उसका आउटपुट मिले। बाकी ऑनलाइन क्लास जो ब्राउनीज़ वाली थी वो ना इस वीक हो नहीं पाई, तो अगर उसके लिए कोई मज़ीद अगर लोग लाइनअप होना चाहें तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेसिक वाली भी इंशाल्लाह दोबारा, बेसिक का सिर्फ एक सेशन होगा, उसके बाद मैं 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अवेलेबल नहीं हूँ, तो उसके लिए फिर अभी से ही बता रही हूँ कि अवेलेबल नहीं हूँ, तो नहीं होंगी इस शहर में। बाकी ये है कि अल्लाह खैर करे तो हमें याद रखिएगा। बेसिक क्लास के लिए अगर किसी को स्केड्यूल करवाना है तो वो इनबॉक्स कर लें, और ब्राउनीज़ वाली क्लास भी अवेलेबल है जिसमें टी केक वगैरह थे।